फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंशूज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं मेरी किचन में एक ठंडी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मलाई कुल्फी। आसानी से घर पर बन जाती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। मैं अपने घर पर अपने बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा मैं ये मलाई कुल्फी की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए। तो चलिए चलते हैं मलाई कुल्फी बनाने के लिए। मलाई कुल्फी बनाने के लिए ये सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और उसमें 1 लीटर दूध डाल दिया है। गैस चालू कर दी है मैंने और इसमें बॉयल आने देते हैं। ये दूध में बॉयल आ गया है और इसको हमें अभी अच्छे से बहुत देर तक उबालना है। अब मैंने ये बोल लिया है और उसमें 1 कप के करीब ठंडा दूध लिया है, क्योंकि उसमें हमें ये मिल्क पाउडर ऐड करना है। करीब 100 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर को इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिल्क पाउडर का मिक्सचर रेडी हो गया है और अभी जो हमने गैस पे दूध बॉईल आने के लिए रखा था ये अच्छे से उबल गया है, लेकिन अभी हमें इसको और उबालना है। देखिए कितना कम हो गया है, लेकिन इसको अभी और उबलने देते हैं। और हमने जो भी मिल्क पाउडर का मिक्सचर बनाया है वो मैंने इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स, मैंने ये 1 बोल के करीब मलाई ली है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अभी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। और अभी हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, ये देखिए दूध में कितना उबाल आ गया है और कितना कम रह गया है दूध। ये हमारा फाइनल प्रोसीजर चल रहा है। अब हमारी मलाई कुल्फी बस रेडी होने वाली है। साइड से सब मलाई ले लेती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा लुक आया है इसका। और अब मैंने इसमें शुगर ऐड करती है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है तो उसमें 200 ग्राम के करीब शक्कर ली है। आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं शुगर। ये देखिए अभी इसका टेक्स्चर भी अलग हो गया है। और अभी इसको हमें शुगर डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक ही चलानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम गाढ़ा हो गया है दूध और इसको हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। अभी ठंडा होने के बाद देखिए मेरे पास एक बॉक्स रखा है, तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ और मुझे इसको फ्रीज़र में रखना है अभी, और इसको मैं ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रेंड्स, ओवरनाइट रखने के बाद ये हमारी कुल्फ़ी बहुत हार्ड हो गई थी, तो मैंने इसको थोड़ी देर पहले से बाहर निकाल के रख लिया था, क्योंकि हमें इसको अभी मिक्सी में चलाना है। इसको मिक्सी में चलाने के बाद इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बाज़ार की कुल्फ़ी है। इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको मिक्सी में चलाना है। अब मैं ये कुल्फी मिक्सी में डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुल्फी को मैंने मिक्सी में चला लिया है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो गया है। और इसको वापस से हमें जमाने के लिए फ्रीज़र में रख देना है और हमारी मलाई कुल्फी फिर रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको कट करके दिखाती हूँ कितनी स्मूथ बनी है हमारी कुल्फी।
और मैं अब इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। देखा ना हमारी मलाई कुल्फी कितनी टेस्टी बनी है। तो आप ये मलाई कुल्फी घर पर जरूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों के लिए जरूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिए कि आपकी मलाई कुल्फी कैसे बने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।